और 32 वर्ष की अल्पायु में उसका विश्व विजय अभियान भारत की सीमाएं छूते ही समाप्त हो गया। इनको हम देवताओं के प्यारे इसलिए लगते होंगे, हमारे पास ऐसे रहस्यमय हथियार थे कि सिकंदर जैसे चिट्टू बिट्टू किले की दीवारों से ही मारकर भगा देते थे हम। कि व्यास नदी और गंगा के बीच बसे महान लोगों की धरती पर अलेक्जेंडर पग भी नहीं धर पाया। कहानी का प्रबंधन ऐसा है कि बार बार पाठक आश्चर्य किए बिना नहीं रह पाता। नमस्ते, संगम टॉक्स की तरफ से मैं रुचि श्रीमाली आप सभी का आज की वार्ता में स्वागत करती हूँ। हमारी आज की वक्ता है J.N. ऋषिवंशी जी। आप लेखिका और कवियत्री हैं, लेखन क्षेत्र में पिछले 20 वर्षों से सक्रिय हैं। हाल ही में आपकी एक पुस्तक प्रकाशित हुई है, कृष्णाशी, प्राचीन भारत की अविस्मरणीय विस्मृतियां। यह एक लड़की की कहानी है जो पूर्व जन्म में एक राजकुमारी थी और जिसे सपनों में अपना एक ऐसा प्राचीन भारत का चित्र दिखता है जो आजकल इतिहास से हटा दिया गया है। इस पुस्तक के बारे में विस्तार से इसकी लेखिका ऋषिवंशी जी से जानते हैं। तो ऋषिवंशी जी, आपको आमंत्रित करती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को आपकी पुस्तक के बारे में बताएं। धन्यवाद बहुत बहुत संगम टॉक्स को। मैं मंगलाचरण से स्टार्ट करना चाहूंगी, जैसे कि हमारी परंपरा है। वर्णानाम अर्थ संगानाम रसानाम छंद सामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। संगम टॉक्स को बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात आपसे शेयर करना चाहूंगी, ये जो मेरी किताब है, जब मैं इसका आमुख लिख रही थी तब मैंने उसमें धन्यवाद देते समय संगम टॉक्स के मंच को भी धन्यवाद इसमें लिखा है। तब मुझे ये विचार नहीं था कि एक दिन मैं यहीं पर ये चीज प्रस्तुत कर रही होंगी। संगम टॉक्स पे जो भी कलेक्शन है हमारी भारत के संस्कृति की, जितना भी ज्ञान से संबंधित जितना वर्सेटाइल कलेक्शन है, उससे मुझे बहुत प्रेरणा मिली है और उसके स्पीकर्स ने मुझे बहुत प्रेरित भी किया है इस पुस्तक को लिखने में। मैं आपको एक इनफॉर्मल आमुख सुनाना पसंद करूंगी जो मैंने पाठकों से डायरेक्ट कनेक्ट होने के लिए लिखा है अपनी इस पुस्तक में से, विच इज टाइटल्ड एज सुनिए। कृपया आगे बढ़ने से पहले जरा सुनिए। चंचल नटखट पाठकों के लिए, यदि आप अच्छे गंभीर पढ़ाकू बच्चे हैं तो आगे बढ़ सकते हैं, बट फिर भी मैं आपको एक बार सुनाती हूँ। प्रिय पाठक, मेरी कहानी सुनने को तैयार होने के लिए धन्यवाद। जैसा कि आप जानते ही होंगे, कहानी के बीच कई गंभीर विषय भी आते हैं जिन्हें मैंने पढ़ाई जैसा बोरिंग ना बनाने की थोड़ी कोशिश तो की है। दो ही नियम हैं जो इस किताब को पढ़ते समय याद रखने हैं। जो बोल्ड है वो फैक्ट्स हैं, जो बोल्ड नहीं वही फिक्शन है। इन्हें पढ़ते समय पढ़ाई वाले टॉपिक्स को आपको ऊब कर स्किप नहीं करना है, वरना न तो कहानी समझ आएगी ना ही भारत का वो चित्र जिसकी पृष्ठभूमि में कृष्णांशी ही नहीं काम्बलिक भी बड़ा हुआ है। कृष्णांशी हमारी नायिका है और काम्बलिक हमारा खलनायक। इन्हें पढ़ते समय आपको यदि ऐसे विचार सताएं कि ये कहानी की गति को रोक रहे हैं, बड़ा बोरिंग है, या ये स्कूली पढ़ाई कहाँ से आ गई, और आपके हाथ बरबस उन पन्नों को छोड़कर कहानी में आगे कूदने को उठ पड़े, तो कृपया उन्हें संभालिए, क्योंकि मेरी कहानी का उद्देश्य ही यही है। रोमांचक, रहस्यों भरी, धड़कने बढ़ा देने वाली कहानियां तो बहुत हैं, जिन्हें पढ़ने के बाद आप रोमांच के अलावा आपके हाथों में कुछ नहीं रहता। और तथ्यों के पुलिंदे सी गंभीर विषयों की पुस्तकें भी बहुत हैं, जिन्हें पढ़कर सत्य ज्ञान से आपका मन रोशन जरूर होता है, पर रोमांच के अभाव में उन्हें पूरा पढ़ने में बड़ी मेहनत लगती है। मैंने पहली बार इन दो तरह की पुस्तकों का मिश्रण बनाने का साहस किया है, इस मूल उद्देश्य के साथ कि भारत के उस अद्भुत छुपे इतिहास को हमारी युवा पीढ़ी जाने। इसलिए जो स्कूलों में पढ़ना रह गया उसे यहाँ पढ़े। देश से प्रेम करने वाले बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें जन सामान्य से छिपी भारत के इतिहास की बहुत सी अनमोल जानकारियों का खजाना यहाँ मिलेगा। स्कूलों में मिस की गई आपकी ये क्लासेस जो यहाँ लगेंगी, उन्हें अटेंड किए बिना आप कहानी को न तो समझ पाएंगे ना ही पचा पाएंगे, क्योंकि उनसे गुजरे बिना प्राचीन काल के भारत का यहाँ प्रस्तावित स्वरूप समझना कठिन है। मेरे कुछ रिसर्चेस के आधार पर जो मैंने आपसे यहाँ संदर्भ सहित शेयर की हैं, भारत का एक बिल्कुल अलग अकल्पनीय रूप आपको दिखाई देगा। तो पढ़ाई देखकर विदकने वाले अपने मन के बच्चे को अनुशासित करें
और अपनी कुर्सी की पेटी बांधकर एक रोमांचक दुनिया की उड़ान के लिए तैयार हो जाएं। सैर विदेश की नहीं, अपने ही देश की है, पर ऐसे देश की जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। इसीलिए सदाशिव मैम की क्लास और नंदिनीपुर की मूलियों के नोट्स चुपचाप पढ़ते बढ़ते जाएं, नहीं तो सदाशिव मैम आपको इतिहास में फेल ना कर दे या कहीं आचार्य भानु मित्रा आपको गुस्से से श्राप ना दे दे। अब कहानी का एक जनरल आइडिया देने के लिए मैं आपको एक छोटा सा ब्लर्ब सुनाऊंगी मेरे पुस्तक के पीछे से। वंशिका हमारी नायिका का नाम है। वंशिका को एक ऐसी दुनिया सपनों में दिखती है जो न जाने कितने युगों पहले अतीत हो चुकी। इन ऋषियों की पृष्ठभूमि में प्राचीन भारत का ऐसा चित्र उसे दिखता है जिसके अंश वर्तमान में उपलब्ध इतिहास से पहुंच दिए गए हैं। वंशिका ही राजकुमारी कृष्णांशी है पिछले जन्म में। उसका ये पिछला जन्म कितना पुराना था ये खुद उसे नहीं पता। कहानी के दौरान जब वो इस कुछ चीजों के कुछ घटनाओं के संपर्क में आती है तो वो आश्चर्यचकित रह जाती है ये जानकर कि उसका वो जन्म कितना पुराना था। ये कहानी है प्राचीन भारत की, उस समय की एक राजकुमारी की जो आज के समय में फिर से जन्मी है। वंशिका के भीतर एक अनसुलझा खालीपन है, उसके अस्तित्व के आधे भाग सा कोई जो केवल सपनों में दिखता है। फिर 16वें जन्मदिन पर एक अजनबी उसे एक विचित्र तोहफा भेजता है। इससे पहले कि वह समझ पाए उसे तोहफा पसंद है या ना पसंद, एक दुर्घटना उसका संपर्क उसके भयानक अतीत से करा देती है। वह अतीत जो उसे युगों से बेचैनी से ढूंढ रहा है। उस रात प्रारब्ध उसे एक ऐसे अज्ञात लक्ष्य की दौड़ में धकेल देता है जहां से मुड़ने का विकल्प नहीं, क्योंकि उसके पैरों को सतत भगा रहे हैं एक विकराल तांत्रिक के भेजे अमानुषी हथियार। रहस्यमय टेक्नोलॉजी से युक्त हथियारों वाली योद्धा, एक नकाबपोश जो उसका रक्षक होने का दावा करता है, अतीन्द्रिय शक्तियों वाले ऋषियों का संघ जो उस अस्पष्ट लक्ष्य के लिए उसे तैयार करने का प्रस्ताव रखता है, कॉलेज और गुरुकुल के बीच की उसकी ये दौड़ भाग कठिनाइयों, रोमांस, हास्य और खतरों भरी होती है। मेरी जो ये किताब है इसमें मैंने किस तरह से रिसर्च जैसे गंभीर विषयों को कहानी में संवाद के माध्यम से गुथा है ये दिखाने के लिए इसमें से कुछ पेजेस पढ़ के सुनाऊंगी। हमारा जो मेन टॉपिक है उसका बैकग्राउंड जानने के लिए पहले एक छोटा सा टॉपिक जानना जरूरी है। होता क्या है कि जो वंशिका यानी कि जो कृष्णांशी है उसका अपहरण करने की कोशिश हमारे जो एंटागोनिस्ट काम्बलिक है उसके भेजे हुए योद्धा करते हैं, और उस समय एक युद्ध होता है वंशिका और उसके फ्रेंड्स को बचाने के लिए। उस युद्ध में कुछ दिव्यास्त्रों के साथ उन्हें बारूदी अस्त्रों का प्रयोग दिखाई देता है। उनके दिमाग में प्रश्न उठता है कि बारूदी अस्त्रों का प्रयोग कैसे युद्ध में, बारूदी अस्त्र का भारत से क्या रिलेशन है, वो कब यहाँ पर आए, बारूद भारत में कब प्रचलित हुआ। उसी के आंसर में वो लोग स्टार्ट करते हैं एक रिसर्च। तो ये हमारे पात्र हैं जो आपको संवाद में दिखाई देंगे, राघव, वंशिका, आश्रया, सूर्या, बिंदु, सिंधु। वंशिका और आश्रया बेस्ट फ्रेंड्स हैं, राघव भी इनका फ्रेंड है, आश्रया सूर्या सिस्टर्स हैं, सूर्या बिंदु सिंधु ये तीनों क्लासमेट्स हैं और ये इनके सीनियर्स हैं। तो प्रश्न होता है कि बारूद का आविष्कार कब और कहाँ हुआ और वह भारत में कब प्रचलित हुआ। डायरेक्टली विल गो टू द डायलॉग। राघव ने पूछा, बताओ पटाखे कब आए। उसने वंशिका और आश्रया दोनों को प्रश्नवाचक नजर से देखा। यही कोई 80 से 100 साल पहले, आश्रया बोली। आई थिंक हमारे पेरेंट्स के बचपन में इंट्रोड्यूस हुए होंगे इंडिया में। और तुम्हारे हिसाब से, राघव ने वंशिका से पूछा। हाँ, वह सोचकर बोली, हमारे दादा दादी ने अपने बचपन में दिवाली पटाखे जलाकर थोड़ी ही मनाई होगी, अंग्रेज ही लाए होंगे ना पटाखे तो। गलत, राघव और सूर्या एक साथ बोले। अंग्रेज लाए नहीं बल्कि ले गए, सूर्या ने समझाया। ये बात गलत है कि बारूद और आतिशबाजी सबसे पहले चाइना में इन्वेंट किए गए। आम धारणा ये है कि चाइना से अरब और अरबी लोगों से यूरोपियंस ने बारूद के बारे में सीखा। ये नॉलेज ट्रांसफर की चेन तो ठीक है, पर इसकी शुरुआत चीन से नहीं भारत से है। चीन में मिलने वाले बारूद के सबसे पुराने रेफरेंसेस से भी ज्यादा पुराने रेफरेंस भारत में मिलते हैं। सुनो, मिडिवल हिस्ट्री का पहला रेफरेंस 1443 का है भारत में आतिशबाजी का, सूर्या बोली। 1443? वंशिका और आश्रया के मुंह आश्चर्य से खुले रह गए। अभी से सरप्राइज मत हो जाओ, सूर्या मुस्कुराई। भारत में गन पाउडर की एक्चुअल हिस्ट्री तो और भी पुरानी है। तो सुनो आतिश की कहानी, सूर्या की जबानी। विजयनगर एम्पायर में सुल्तान शाहरुख का राजदूत अब्दुल रजाक अप्रैल से दिसंबर 1443 तक आकर रुका था।
उस समय वहां महाराज देव राय द्वितीय का शासन था। उसने वहां महानवमी के उत्सव में मनोरंजन के लिए अग्नि क्रीड़ा यानी आतिशबाजी के शानदार प्रदर्शन होते देखे थे, जिनका वर्णन उसने किया है। एक और यात्री वर्थेमा, टाइम 1502 से 1508 ने विजयनगर के साम्राज्य के यात्रा वर्णन में कहा है, इस कौम के लोगों को आतिश पटाखे बनाने की कला में महारत हासिल है। मुझे याद है हमने बचपन में पढ़ा था कि भारत में बारूद लाने का क्रेडिट बाबर को है। आश्रय बोली, उसने यहाँ पहली बार बारूदी हथियार तोप वगैरह इंट्रोड्यूस किए थे पानीपत के पहले युद्ध में सन 1526 में। वंशिका और सूर्या एक साथ बोले, हाँ कहते हैं उससे पहले भारतवासी बारूद नाम की चीज से अनजान थे। वंशिका बोली, गलत कहते हैं। राघव बोला, फैक्ट सामने हैं, अनडिनाइबल। ये पहला रेफरेंस 1443 का, बाबर तब पैदा भी नहीं हुआ था। वो पैदा हुआ 1483 में, इसके 40 साल बाद। सूर्या बोली, और बात सिर्फ आतिशबाजी की नहीं है, मेरी रिसर्च में मुझे इससे भी सदियों पहले यहाँ फायर आर्म्स होने के रेफरेंसेस मिले हैं। वंशिका और राघव ने एक दूसरे को देखा, यही तो होने चाहिए था। आगे सुनो, सूर्या पढ़ते हुए बोली, 1518 में बारबोसा नामक यात्री आया था, जिसने अपनी रचना ट्रेवल्स में गुजरात के एक ब्राह्मण की शादी का आंखों देखा हाल लिखा है, जहां उसने रॉकेट चलाए जाने का उल्लेख किया है। वो कहता है पेज 117 पे, दुल्हा दुल्हन के मनोरंजन के लिए लोग नाचते गाते हैं, उनके आनंद के लिए ढेर सारे पटाखे और रॉकेट चलाए जाते हैं। रियली? वंशिका ने अचंभे से कहा, यानी बैंड बाजा बारात का कस्टम इतना पुराना है? और सुनो, 1676 में टावेडनिया नामक एक बंदा आया था। सूर्या बोली, उसने लिखा है कि भारतीय शादियां बड़ी शानो शौकत वाली और खर्चीली होती हैं, उनमें अनेकों हाथी घोड़ों के साथ बारात निकाली जाती है और भव्य आतिशबाजी की जाती है। अब भारत की साइड के रेफरेंसेस। सूर्या बोली, उड़ीसा के राज लेखक गजपति प्रताप रुद्रदेव ने, जिनका काल 1497 से 1539 से, एक संस्कृत ग्रंथ लिखा है कौतुक चिंतामणि, जिसमें उन्होंने अलग अलग प्रकार के पटाखे बनाने की विधि का वर्णन किया है। ग्रंथ के जिस सेक्शन में ये आता है उसका नाम है विनोदनानी, यानी मनोरंजन की वस्तुएं। उसमें आए पटाखों के संस्कृत नाम बड़े मजेदार हैं, जैसे कल्प वृक्ष बाण, पुष्पवर्ती, चामल बाण, छछुंदरी रस बाण, चंद्र ज्योति, चंपा बाण, पुष्प बाण। इन नामों पर और खासकर बाण नाम के अर्थ पर मैं बाद में आऊंगी, पहले कौतुक चिंतामणि में बताए गए इनके कंपोजिशन के कुछ घटक देखते हैं। यहाँ गंधक यानी सल्फर, अंगार यानी कि चारकोल, गैरिक हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड या ओकर, हड़ताल ऑर्पिमेंट आर्सेनिक का एक खनिज, नाग लेड, हिंगुल यानी सिन्नेबार जो कि मर्क्यूरी और सल्फर का एक खनिज है, सौवर्चल लवण, शोरा या पोटेशियम नाइट्रेट, लोहे का चूर्ण, नेट्रोन और बोरिक्स जैसे नाम लिए गए हैं जो आज भी पटाखे बनाने में यूज होते हैं। आकाश भैरव कल्प में बारूद में भी बंदूक का नलिका के नाम से उल्लेख आया है। बारूद को संस्कृत और प्राकृत भाषाओं में दारू कहा गया है और दीपावली महोत्सव के अवसर पर आकाश भैरव कल्प में राजा को प्रजा और परिवार के साथ बाण विद्या देखने को कहा गया है। बाण विद्या का अर्थ है आतिशबाजी, पर इसका अर्थ तो तीरंदाजी होना चाहिए, बाण माने तीर। वंशिका बोली, वेट फॉर मी टू कम ऑन दैट। सूर्या बोली, पहले यहाँ पटाखों में क्या क्या बताया गया है सुनो। चामर बाण का वर्णन श्लोक के इस पंक्ति में है जो आप स्लाइड में सबसे नीचे देख सकते हैं, स्फुलिंगान चामरा कारान तिर्यत उद्गीरतो बहुम। चामर यानी हवा करने को डुलाए जाने वाले चवर। इस पंक्ति का अर्थ है, चवर की आकृति में फैली तिर्यक यानी आकाश में तिरछी गति से छूटती स्फुलिंग या चिंगारियां। महाराष्ट्र के महान संत एकनाथ की 1570 को लिखी रचना रुक्मणी स्वयंवर में भी पटाखों के नाम है, जहां उन्होंने श्री कृष्ण की बारात का वर्णन किया है। समद गुरु रामदास काल 1608 से 1652 के साहित्य में भी पटाखों के नाम है। उन्होंने भगवान राम के अयोध्या आने पर प्रजा द्वारा भव्य आतिशबाजी करना और लाखों दीपक जलाए जाने के बारे में लिखा है। अब हम आते हैं पटाखों के मजेदार नामों पर। पुष्पवर्ती नाम से ही स्पष्ट है फुलझड़ी। वर्ती शब्द संस्कृत में धूप बत्ती जैसी आकृति के लिए आता है, वही आकृति जो फुलझड़ी की भी होती है। छुछुंदरी रसबाण, ऐसा रॉकेट जो चलते समय छुछुंदर के जैसे आवाज करता है। चंपा बाण और पुष्प बाण, रॉकेट्स जो आकाश में जाकर चंपा वगैरह फूलों की आकृति का निर्माण करते होंगे। चंद्र ज्योति, जो चांद जैसा उजाला दे, ये शायद अनार है। अब मैं आती हूँ बाण पर। सूर्या रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराई।
पीके गोड़े ने पेज 19 पर लिखा है, बाण शब्द को आतिशबाजी वाले रॉकेट अर्थ में प्रताप रुद्रदेव ने सन 1500, संत एकनाथ ने 1570, समर्थ गुरु रामदास ने 1650 में इस्तेमाल किया है और बर्नियर सन 1656 ने इसके बारे में लिखा है कि बाण एक प्रकार का ग्रेनेड है जो लकड़ी पर बांधकर दुश्मन पर फेंका जाता था। एंड लास्ट रेफरेंस, जर्मन विद्वान गुस्टाफ ऑपर्ट के खुद के शब्द जिन्होंने प्राचीन भारत के हथियारों पर विस्तार से लिखा है। वो कहते हैं, बाण या शर शब्द का अर्थ जो समझा जाता है उससे कहीं अधिक व्यापक है। समय के साथ यह शब्द मिसाइल के लिए प्रयुक्त होने लगा, चाहे उसकी आकृति तीर जैसी हो या ना। रॉकेट को जनरली बाण कहा जाता था। आज भी तमिल में बाण पत्राई और तेलुगु में बाण पत्रा बारूद की फैक्ट्री को कहते हैं। तो अब हम चलते हैं राघव वंशिका के लेख पर। राघव वंशिका ने पहले वाला जो सूर्या से डिस्कशन सुन के आतिशबाजी से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन मिली उस पर वो लोग रिसर्च करते हैं आगे और वो आते हैं फायर आर्म्स पर। वो फायर आर्म्स का वो लेख वो उन लोगों को सुनाते हैं अपने सीनियर्स को। सो लेट्स जंप इनटू दैट कन्वर्सेशन। राघव वंशिका का लेख, प्राचीन भारत में बारूदी अस्त्र। चांद उग चुका था, टिमटिमाते तारों और ठंडी हवा के झोंकों के बीच नौवीं मंजिल की ऊंचाई पर राघव ने कहना शुरू किया। जर्मन विद्वान गुस्टाफ ऑपर्ट का नाम हमने सूर्यादि के आर्टिकल में सुना ही था। उसकी गन पाउडर में रिसर्च में आई कुछ बहुत ही मजेदार बातों से ओपनिंग करेंगे। ओपर्ट के खुद के शब्द, विस्फोटक चूर्ण का मनोरंजन के लिए पटाखों में या प्रक्षेपास्त्रों में उपयोग लेने का ज्ञान भारत में आदिकाल से ही था और कभी भी भुलाया नहीं गया। पर चूंकि प्राचीन काल में भारत एकदम आइसोलेटेड था, उसने लंबे समय से इस ज्ञान को बहुत गुप्त बनाकर रखा था। इसके रहस्य की बड़ी सावधानी से हिफाजत की थी, अतः यह दूसरे देशों तक प्राचीन काल में नहीं फैला। बाहरी लोगों के लिए गन पाउडर का विस्फोटक प्रभाव कितना भी चमत्कारी और आश्चर्यजनक रहा हो, पर उससे सदा से परिचित भारतीयों के लिए वह सामान्य बात थी। भारत आतिशबाजियों का देश है, उनके बिना यहाँ कोई भी उत्सव पूरा नहीं माना जाता। ऑपर्ट ने नथनियल हेलहेट का एक पैसेज दिया है। अब मजेदार पोर्शन, पहली शती के इतिहासकार क्विंटस कर्टियस ने सिकंदर पर लिखा, अलेक्जेंडर जब भारत आया था तो उसे यहाँ इसी प्रकार के किसी हथियार, बारूदी हथियार का सामना करना पड़ा था। हेलहट कहते हैं कि वो भी क्विंटस से सहमत हैं। ओपर दादा ने अलेक्जेंडर भाई की इंडिया में सैर के बारे में कमाल की बात उजागर की है, जिसने कसम से मजे ला दिए। राघव मुस्कुराया। जो हमें उस समय भारत की प्राचीन विश्व में कैसी छवि थी इसका आइडिया देती है। उसने स्टाइल से गला साफ कर शुरू किया। संदर्भ किताब है हिस्ट्री ऑफ अपोलोनियस ऑफ टियाना, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इंटरनेट आर्काइव पर यह भी बुक उपलब्ध है। अपोलोनियस भारत भ्रमण पर आए एक ग्रीक दार्शनिक थे। तो इस किताब में कहा गया है कि जब वे भारत आए तो उन्हें वो सच्चा कारण पता चला कि क्यों अलेक्जेंडर महान की ऑक्सीड्रेसी पर हमला करने की हिम्मत नहीं हुई। ऑक्सीड्रेसी भारत के पंजाब क्षेत्र में स्थित एक राज्य का प्राचीन ग्रीक नाम है। फ्लेवियस कहता है, फ्लेवियस ने इनके बारे में लिखा है, फ्लेवियस फिलोस्ट्रेटस। फ्लेवियस कहते हैं कि हिपेसिस नदी, जिसका प्राचीन नाम था विपाशा, वर्तमान में उसका नाम है ब्यास नदी, और गंगा के बीच में सत्य अर्थों में महान लोगों का निवास है। ब्यास और गंगा के बीच में सच्चे अर्थों में महान लोगों का निवास है। उनके देश में अलेक्जेंडर ने पग भी नहीं रखा। फ्लेवियस 1170 ईस्वी के दार्शनिक थे, 172 AD के ग्रीक दार्शनिक थे, जो कि सम्राट सेप्टिमियस सेवरस और उसके पुत्र कैराकेला के दरबार में पदस्थ थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेप्टिमियस सेवरस और कैराकेला की इमेजेस, और इधर राइट साइड में आपको एक कॉइन पे अपोलोनियस ऑफ टियाना इनका एक कॉइन की इमेज दिखेगी, और यहाँ फ्लेवियस की बुक कुछ वर्क है। तो आप जानते ही होंगे कि अलेक्जेंडर ने भारत की सीमा पर जो एक छोटे से पहाड़ी क्षेत्र के राजा पोरस से युद्ध किया था, उसी को भारत जीतने का नाम देकर रोमनों ने भुनाया था और उसे अपने इतिहास में विश्व विजेता के नाम से नवाजा। जबकि भारत के इसी ऑक्सीड्रेसी पर हमले की नाकाम कोशिश ने अलेक्जेंडर को वो घातक घाव दिया जो अगले चंद महीनों में उसकी मृत्यु का कारण बना, और 32 वर्ष की अल्पायु में उसका विश्व विजय अभियान भारत की सीमाएं छूते ही समाप्त हो गया। मुख्य भारत तो गंगा के मैदान में बसा है, उसमें कदम रखे बिना भारत कैसे जीत लिया। सूर्या हंसी। फिर भी आज भी
स्कूलों में बच्चे तोते की तरह रटते हैं कि अलेक्जेंडर महान ने भारत जीता। जल्दी बताओ फ्लेवियस ने क्या कहा है इस बारे में। फ्लेवियस कहता है कि व्यास नदी और गंगा के बीच बसे महान लोगों की धरती पर अलेक्जेंडर पग भी नहीं धर पाया। उनके नगरों को वो कभी नहीं जीत सकता था, भले ही उसके पास अकिलीस जैसे वीर योद्धाओं की पूरी सेना होती या एजेक्स जैसे 3,000 लड़ाके लेकर वो उन पर हमला करता, तब भी वो उन्हें नहीं जीत सकता था। अकिलीस और एजेक्स ये ग्रीक्स के महान माइथोलॉजिकल हीरोज हैं। उनके जैसे 3,000 भी सिंधु खिलखिलाई। आपने ट्रॉय मूवी में इन दोनों का नाम सुना होगा। तो कन्विक्शन ऑफ अपोलोनियस ये है, उनका फर्म बिलीफ है, फेथ है कि एक पूरी आर्मी अकिलीस की प्लस 3,000 एजेक्स ये मिलकर भी भारत के एक छोटे से किंगडम के डिफेंस के भी बराबर नहीं है। अभी सुनो और है, राघव बोला, यहाँ इन लोगों ने भारतीयों को ये पावन लोग कहा है क्योंकि भारतीय विकास के चरम पर भी दयालु और आध्यात्मिक रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि अलेक्जेंडर अकिलीस और एजेक्स जैसे लड़ाकों की पूरी फौज लेकर भी चढ़ा था तो भी उन्हें नहीं जीत सकता था, क्योंकि ये पावन लोग जो देवताओं के भी लाडले हैं अपने हमलावरों से लड़ने मैदान में नहीं आते, बल्कि अपने दीवारों से ही शत्रुओं पर थंडरबोल्ट यानी बिजली और तूफान फेंक कर दुश्मन का काम तमाम कर देते हैं। इस बार सिंधु ताली पीट कर हंसी। इमेजिन 3,000 अकिलीस और एजेक्स अपने हथियारों से लैस और अलेक्जेंडर सेना की लीड में, और एक भारतीय किले की दीवार से उन्हें देख के उबासी लेते हुए उन पर थंडरबोल्ट फेंक देता है। सच में यार, कितना जेलसली गार्ड किया गया था फायर आर्म्स का साइंस तब हमारे देश में। राघव हंसा, इनको हम देवताओं के प्यारे इसलिए लगते होंगे, हमारे पास ऐसे रहस्यमय हथियार थे कि सिकंदर जैसे चिट्टू बिट्टू किले की दीवारों से ही मारकर भगा देते थे हम। मैं हमेशा से सोचती थी, सूर्या बोली, हमारे योद्धा महापुरुष अपने से संख्या बल में कहीं अधिक दुश्मनों को कैसे जीतते होंगे। 1,25,000 से एक लड़ाऊं, चिड़ियन ते में बाज लड़ाऊं, गुरु गोविंद सिंह की ये बात या अर्जुन का अकेले पूरी सेना को हराना, ये सब फायर आर्म से ही तो हुआ होगा ना। अर्जुन के केस में दिव्यास्त्र भी, आश्रया बोली, और हमारे युद्ध विज्ञान में वर्णित व्यू रचना की शिक्षा से। राघव ने कहा, और सुनो, फ्लेवियस ने उनके माइथोलॉजिकल गॉड्स के भी भारत आकर हारने की लोक कथा के बारे में लिखा है। इजिप्शियन हरक्युलिस और बैकस ने भी भारत पर आक्रमण किया था, अपने वॉर इंजन लेकर वो चढ़ आए, पर भारतीयों ने विरोध का कोई प्रयत्न नहीं किया, वे शांत बने रहे, मानो उनकी सुरक्षा में कोई विघ्न आया ही नहीं। पर जैसे ही दुश्मन निकट आए, उन्होंने उन पर आकाश से थंडरबोल्ट्स और बिजली वाले तूफान छोड़ दिए। कहते हैं अलेक्जेंडर ने अरस्तु को एक पत्र लिखा था जिसमें उसने उन सारे भयानक खतरों का बखान किया था जो उसकी सेना ने भारत में झेले जब भारतीयों ने उन पर जलते थंडरबोल्ट्स की वर्षा कर दी। यानी प्राचीन काल में भारत की क्या धाक थी ये तो देखो, पंचिका बोली। इनकी माइथोलॉजी तक में ये था कि भाई भारत से तो बैर न मोल लेना ही भला, हमारे माइथोलॉजिकल गॉड्स भी वहां जाकर मुंह की खाकर आए। ऑपर्ट ने टाइम बॉम्ब जैसी एक टेक्निक का भी रेफरेंस दिया है। राघव बोला, 1126 में मजमुल तवारिख नामक एक अरबी ग्रंथ में, जो कि 1000 ईस्वी के आसपास एक मूल संस्कृत ग्रंथ से अरबी में ट्रांसलेट किया गया था, यह घटना लिखी गई है। ब्राह्मणों ने हाल को यह मंत्रणा दी कि एक बारूद से भरा हुआ मिट्टी का हाथी बनवाकर रथ में रख दो, जब शत्रु सेना आई तो उस हाथी में विस्फोट हो गया, आक्रमणकारी फौज का एक बड़ा हिस्सा उससे नष्ट हो गया। यहाँ ऊपर रिमार्क करते हैं कि हमारे सामने न केवल विस्फोट की साधारण सी क्रिया का उदाहरण है, बल्कि फ्यूज जैसी किसी सिस्टम का भी संकेत है जिससे विस्फोट दूर से और विशेष समय पर हो। ऊपर ने इसी तरह के बारूदी हथियारों का उपयोग तैमूर लंग के खिलाफ भारतीयों द्वारा इस्तेमाल किए जाने के बारे में भी कहा है। सब आश्चर्य से मुस्कुराते रह गए और राघव के कहने पर वंशिका ने लेख की प्रस्तावना सुनाना शुरू किया। भारत में अति प्राचीन काल से ही बारूदी शस्त्रों यानी फायर आर्म्स का विज्ञान विकसित था। इस तथ्य के समर्थन में हमें आधुनिक और प्राचीन दोनों प्रकार के प्रचुर प्रमाण मिलते हैं। प्रमुख भारतीय शास्त्र जिनमें बारूदी हथियारों का उल्लेख है और जो उपलब्ध है वो है, एक मुनि वैशंपायन विरचित नीति प्रकाशिका 800 ईसा पूर्व, कामंदकीय नीति सार 300 से 415 ईस्वी, शुक्र नीति गुप्त काल 500 से 600 ईस्वी। इनके अलावा अग्नि पुराण, धनुर्वेद, महाभारत और रामायण में भी बारूदी हथियारों का उल्लेख कई जगह मिलता है। भारत बारूदी शस्त्रों के विज्ञान की जन्मभूमि है, इस बात पर विदेशी विद्वानों का ध्यान सबसे पहले 18वीं सदी में गया। अनेकों पेपर्स लिखे गए, किताबें लिखी गई, उनमें से कुछ प्रमुख नाम है नैथनियल हेलहिट, योहान बैकमैन, क्वेंटिन क्रॉफर्ड, गुस्टाव ऑपर्ट, एम एलियट,
हेनविच ब्रनहोफर। पीटर सन ने एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फायरआर्म्स में कहा है कि साल्ट पीटर बारूद का प्रमुख घटक भारत में प्राचीन समय से ही ज्ञात था, तो संभवतः बारूद का आविष्कार वही हुआ होगा। गुस्टाव ऑपर्ट के शब्दों में, विश्व का सबसे प्राचीन दस्तावेज जिसमें बारूद का उल्लेख और वर्णन है भारत में मिलता है और संस्कृत भाषा में है। बारूद का उपयोग मिसाइल क्षेपक हथियारों में उसका प्रयोग प्राचीन भारत में जाना माना तथ्य था। इस विषय पर चीन का कोई भी ग्रंथ शुक्र नीति से प्राचीनता में तुलना नहीं कर सकता। अतः यदि भले ही चीन ने स्वतंत्र रूप से भारत का बारूद का आविष्कार किया भी हो, तो भी पहले आविष्कार का श्रेय भारत को ही जाता है। वंशिका बोली, सबसे प्राचीन चीनी ग्रंथ जिसमें बारूद का वर्णन है 1044 ईस्वी का है, वो चिंग संग याओ। शुक्र नीति का समय इतिहासकार गुप्त काल यानी 400 से 500 ईस्वी बताते हैं, जो कि गलत है क्योंकि उससे भी पूर्व के ग्रंथों पंचतंत्र या 300 ईसा पूर्व और महाभारत 3100 बीसी में शुक्र नीति का न केवल नाम आया है बल्कि संदर्भ भी है। अतः वास्तव में तो वो उससे भी प्राचीन है, मतलब 3100 बीसी से भी पुरानी है। पर आधुनिक इतिहासकारों की गलत गणना यानी 400 से 500 ईस्वी माने तो भी कोई चीनी ग्रंथ प्राचीनता में इसके सामने नहीं खड़ा होता। बारूद को शुक्र नीति में अग्निचूर्ण कहा गया है। उसके मुख्य घटक सौवर्चल लवण, साल्टपीटर, गंधक, सल्फर और अंगार यानी चारकोल बताए गए हैं, और यही घटक उपरोक्त चीनी ग्रंथ में भी है। और ये जाना माना तथ्य है कि अनेकों विदेशी यात्री, विशेष करके चीनी और अरबी यात्री, भारत में शिक्षा लेने आए थे और यहाँ से अनेकों ग्रंथ साथ में लेके गए थे। अतः इस चीनी ग्रंथ का आधार शुक्र नीति होने की संभावना नकारी नहीं जा सकती। शुक्र नीति में बारूद में अलग अलग गुणों और रंगों को उत्पन्न करने के लिए केमिकल्स भी बताए गए हैं। महाशय प्रफुल्ल चंद्र रे अपनी हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री पुस्तक के वॉल्यूम 1 में पेज नंबर 100 पर कहते हैं, साल्ट पीटर भारत में अतिशय प्राचीन स्मरणातीत चिरकाल से काम में लिया जाता था। रॉकेट्स और फायरआर्म्स में विस्फोटक के रूप में भारत इसके निर्यात के लिए मशहूर था और यूरोपियन देश भी इसे भारत से खरीदते थे। 1627 में सूरत के राजा ने अंग्रेजों की फैक्ट्री से 2500 रुपए टैक्स के रूप में वसूले थे साल्ट पीटर और शक्कर पर, जिसका दस्तावेज जेके सरकार ने अपनी किताब में प्रस्तुत किया है। यही बात ऑपर्ट ने डिटेल में कही है कि साल्ट पीटर पूरे भारत में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। राघव बोला, आयुर्वेद में सौवर्चल लवण के नाम से इस्तेमाल होता है और भारत इसके निर्यात के लिए हमेशा से प्रसिद्ध रहा है, सिंस टाइम इमेमोरियल। आज भी यानी ऑपर्ट के काल 1836 से 1908 में भी डच इसे विशेष रूप से खरीदते थे। ऑपर्ट ने एशियाटिक सोसाइटी बंगाल की जर्नल से एक तोप और बंदूक का बहुत पुराना रेफरेंस दिया है, जो कि 1404 के म्यांमार यानी बर्मा का है। बर्मा पहले भारत का ही पार्ट था ना, सिंधु ने पूछा। हाँ, 1937 में अंग्रेजों ने इसे भारत से अलग किया था, सूर्या बोली। वाओ, बिंदु ने कहा, जो इतिहास का जिद करके फायर आर्म्स का क्रेडिट बाबर को दिलवाना चाहते हैं, उन्हें साउथ इंडिया में 1500 ईडी में बंदूकों की उपस्थिति का एक्सप्लेनेशन पूछो तो ये लॉजिक चिपकाते हैं कि बाबर के एक बार बंदूक तो भारत में लाते ही वो वाइड स्प्रेड हो गई, तुरंत उत्तर दक्षिण सब जगह प्रकट हो गई। तो वो लॉजिक तो यहाँ भी अप्लाई होगा, 1404 में भारत का हिस्सा रहे बर्मा में बंदूकें थी तो भारत भर में रही होंगी। हमारे इतिहास का छुपा हुआ सच या छिपाया गया सच, सिंधु ने कहा। यानी ये कितनी बेसिरपैर की बात हमारे इतिहास में ठूसी गई कि बाबर तोप का तोहफा लाया, सूर्या चिड़ी। हर छोटी बड़ी जगह इतने सारे झूठ लिख मारे हैं गपोड़ियों ने, यहाँ का तो बस ठेंगा रखा। क्या बारूद, क्या शिल्पकला, क्या चित्रकला, साज संगीत, नृत्य, मक्का जैसे अनाज, मिर्च मसाले, सब्जियां, अरे जलेबी समोसे तक का श्रेय हमसे छीन लिया। सब बाहर वाले ही लाए, यहाँ तो बस कबीले झुग्गी झोपड़ी में बैठे उबले आलू खाते थे। नहीं, आलू भी तो ये लाए हैं, हम तो बस भूखे नंगे थे। एक बात बताओ, बिंदु ने कहा, जब बंदूक तोपे थी तो पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप आदि महान योद्धाओं ने इस्तेमाल क्यों नहीं की? की थी, वंशिका और राघव एक साथ बोले। उनके तीनों श्रोता अचंभित और खुश हो गए। मेरे दिमाग में भी तुरंत यही प्रश्न आया था, वंशिका बोली, और इसका जवाब ढूंढते वक्त मुझे ढेर सारे नए रेफरेंसेस मिले। देखो, पहले सबसे पुराना पृथ्वीराज चौहान का, चंदबरदाई ने बंदूक का तूपक के नाम से उल्लेख किया है। पृथ्वीराज रासो में हाथियों से बंधे नलिकाओं का उल्लेख है, यानी बड़ी बंदूकें जिन्हें इनारी कहा गया है। नालिका नाम से एक बात याद आई, सिंधु बोली, आज भी राजपूत बंदूकों को नाल या दुनाली ही कहते हैं। ये मिस्टर ओपर्ट बड़े काम के हैं, राघव बोला, उन्होंने भी पृथ्वीराज के बारे में लिखा है।
उन्होंने पेज 52 पे कर्नल टॉड का रेफरेंस दिया है जिसने पृथ्वीराज रासो का अंग्रेजी अनुवाद किया था। अपनी एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में टॉड ने लिखा है, हिंदू कवि चंद ने अपनी रचनाओं में अक्सर बारूदी हथियारों का अस्पष्ट उल्लेख किया है, विशेषकर नल गोला नामक हथियार का। कर्नल टॉड के संपर्क में आए साहित्य में चंद्र परदाई ने युद्ध क्षेत्र का ज्वालामुखी कहकर किसी हथियार का बार बार उल्लेख किया है जो टॉड के अनुसार शायद बहुत बड़ी बंदूक है। यहाँ पर टॉड शक करता है कि वास्तव में यह वर्णन उस समय का है या बाद में डाला गया प्रक्षेप। सूर्या बोली, ये अंग्रेजों का फेवरेट स्टेटमेंट है, उन्हें बड़ा कन्वीनियंट लगता है प्रक्षेप कहना। जब भी उन्हें एडवांस टेक्नोलॉजी के सुराग हमारे ग्रंथों में मिले, उन्हें चुपचाप इस्तेमाल करने के बाद कह दिया कि यह तो प्रक्षेप है। ऐसा वो शुक्र नीति के लिए भी कहते हैं, वंशिका बोली, कि ये बहुत बाद की रचना है क्योंकि उसमें दिया गया बारूद का कंपोजिशन बहुत एडवांस्ड है और दूसरा उसमें फ्लिंट लॉक यानी चकमक पत्थर वाली जिस बंदूक का वर्णन है वो तो यूरोप में 17th century में इन्वेंट हुई थी। हाँ हाँ क्यों नहीं, सब कुछ यूरोप में 17th century के बाद ही तो इन्वेंट हुआ। सिंधु बोली, उससे पहले तो उनकी आविष्कारक बुद्धि सो रही थी। जैसे ही इन्होंने भारत आकर हजारों संस्कृत ग्रंथ ट्रांसलेट करवाए, संयोग से उसी के बाद तुरंत इनके दिमाग की बत्ती जल उठी जो बाई चांस 1700 साल तक सो रही थी और धड़ाधड़ इनकी साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन शुरू हो गई। वाह भाई फिरंगी ताऊ, प्रणाम है तुम्हारी धूर्तता को। सिंधु ने हाथ जोड़े, यहां से गन बनाने जैसी अनगिनत चीजें सीख के उस पे अपने नाम की चैपी लगा के दुनिया में डुगडुगी बजा दी और यहाँ के बच्चों को उल्लू बनाया कि उनकी किताबों में लिख माना कि शुक्राचार्य उनका नकलची है। शुक्र नीति में फ्लिंटलॉक गन है, सूर्या बोली। श्लोक प्लीज, संस्कृत में सुनना चाहती हूँ डिस्क्रिप्शन, वंशिका ने पढ़ा। श्लोक आपके सामने है, मैं एक लाइन पढ़कर सुनाती हूँ। नालिकम विविधम ज्ञेयम बृहत् शूद्र विभेदतः तीर्यगोद्वा छिद्रमूलम नालम पंचवितस्तिकम। अर्थात शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु कहते हैं, नलिका दो प्रकार की जानो, बृहत बड़ी, शूद्र या लघु यानी छोटी। अब छोटी नलिका 5 वितस्त यानी 5 वेट लगभग 45 इंच लंबी होती है जिसके मूल यानी ब्रीच में तिर्यक और ऊर्ध्व छेद होता है। अग्रभाग पर लक्ष्य वेदी तिला यानी लक्ष्य को मार्क करने की व्यवस्था होती है। मूल में यंत्र होता है जिससे पत्थर के आघात द्वारा अग्निचूर्ण में आग लगती है। यह लघु नलिका सभी पैदल सिपाहियों सेना की एक इकाई जिसे पट्टी कहते थे के सदस्य को धारण करनी चाहिए। सिंपली अमेजिंग, सूर्या बोली। पता नहीं कहाँ से ये मिसकंसेप्शन शुरू हुआ कि हम लोग सिर्फ तीरों और तलवारों से ही लड़ते थे। रामायण महाभारत ही नहीं, शिवाजी और महाराणा प्रताप के सीरियल्स और मूवीज बनाने वाले भी तो युद्ध में स्टूपिड जैसे हमेशा तीरों तलवार गदा भाले यही दिखाते हैं। उन्होंने हमारे जैसे रिसर्च की होती तो अर्जुन और कर्ण को हम धनुष बाण के साथ मशीन गन और मिसाइल से भी लड़ते देखते हैं, राघव हंसकर बोला। ओपर्ट की मेहनत की दाद देनी पड़ेगी, वंशिका बोली। इतनी सारी पांडुलिपियां ग्रंथ और पेपर्स पर शोध करने के बाद अपनी रिसर्च प्रूफ करने को उन्होंने बंदूकधारी सैनिकों की प्राचीन मूर्तियां भी खोज निकाली। ओपर्ट ने साउथ के 5 प्राचीन मंदिरों के नाम गिनाए हैं, आदि जगन्नाथ पेरुमल मंदिर 8वीं शती तिरुपल्लनी तमिलनाडु। इसके प्राचीन मंडप की मूर्तियों में सैनिक बंदूकें उठाए दिखाए गए हैं। शारंगपाणी मंदिर तंजौर 5वीं मंजिल पर बंदूकधारी 2 सिपाहियों की मूर्ति है। इसके अलावा बृहदेश्वर मंदिर में स्वर्ग एकादशी द्वार के सामने और पेरूर कोयम्बटूर के शिव मंदिर के सभा मंडप में भी बंदूकधारी सैनिकों की आकृति है। ओपर्ट के अनुसार 8वीं शती के तिरुपल्लनी मंदिर को छोड़कर बाकी सभी मंदिर 1300 ईस्वी के आसपास बने हैं, राघव बोला। हैंडगन का सबसे पुराना चित्र माइलमेट नाम की मैन्युस्क्रिप्ट में है जो 1326 का है, वंशिका बोली। अब भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां इससे पहले के बंदूकों के चित्र आज भी सुरक्षित हैं इन मंदिरों में, यानी हमारे पास साहित्य और पुरातत्व दोनों प्रकार के प्रमाण हैं। चलो अब मैं फटाफट लिस्ट आउट करती हूँ प्राचीन भारतीय रेफरेंसेस, इससे प्रक्षेप कहने वालों की धज्जियां उड़ जाएंगी। प्रक्षेप होता तो 1 या 2 ग्रंथों में। इतनी सारी अलग अलग प्रदेशों और अलग अलग समयों से जुड़ी पांडुलिपियों के साथ मिशन प्रक्षेप तो एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता ना, और सब में एक ही बात को नहीं घसीटा गया बल्कि बिल्कुल अलग अलग श्लोक है। शुक्र नीति हमने पहले इसके बारे में बहुत कुछ सुन चुके हैं,
फिर नीति प्रकाशिका 800 बीसी के इस ग्रंथ में अध्याय 4 में नलिका का वर्णन है जो द्रोणी चाप नामक मिसाइल छोड़ती है। चौथी सदी के कामंदकीय नीति सार में 5वें अध्याय के 51वें श्लोक में राजा को अलर्ट करने के लिए पास में तैनात सिपाही को गन फायर सिग्नल देने के लिए कहा गया है। बोध ये युहु नलिका दिवि। तुलसीकृत रामचरित मानस में लंका कांड 5वीं चौपाई के नीचे और 49वें दोहे के ऊपर वाला छंद है। झाहे महिधर शिखर कोटिन विविध विधि गोला चले, गहरात जिमि पबिपात गर्जत जनु प्रलय के बादले। अर्थात युद्ध में विविध प्रकार से करोड़ों की संख्या में गोले चलने लगे, पर्वतों के शिखर ढहाए जाने लगे। ये गोले ऐसे गहराते थे जैसे वज्रपात हुआ हो, बिजली गिरी हो, ऐसे गरजते थे मानो प्रलय काल के बादल हो। कौटिल्य अर्थशास्त्र में भी अग्निबाण का उल्लेख है। आकाश भैरव तंत्र 1100 ईस्वी के कवि श्रीहत की कविता नैषत और अनंत भट्ट की प्रसिद्ध रचना चंपू भारतम, रुद्र कवि के राष्ट्रोध्वंस महाकाव्य 1596 ईस्वी के, इन सब में नलिका, बंदूक, गोले, इन सब का नाम आता है। महाभारत की टीका का चतुर्धर जो कि 1650 से 1700 ईस्वी के थे, उन्होंने नल शब्द पर टीका में कहा है कि नल लोहे का बना एक ऐसा यंत्र होता है जो अग्नि चूर्ण के बल से सीसे, पीतल और पत्थर के गोलों को प्रक्षेपित करता है। शिवाजी के कवि रघुनाथ पंडित ने शिवाजी के आदेश पर 1676 में राज व्यवहार कोष की रचना की थी जिसमें उन्होंने नलिका यानी बंदूक, शतग्नि यानी तोप के अलावा बाण का वर्णन किया है और बाण को अग्नि नलिका, बारूद से भरी नलिका कहा है। धनुर्वेद में भी नलिका का उल्लेख आता है। और हाँ, बंदूक की गोलियां, वंशिका ने नोट्स में से गुजरते हुए कहा, शुक्र नीति में लघु नलिका के लिए लोहे, सीसे या अन्य धातुओं की गोलियां इस्तेमाल करने के बारे में लिखा है और लोहे की ऐसी गोलियों का भी उल्लेख है जिसके अंदर और छोटी छोटी गोलियां भरी हुई हों। एंड आज जो हम अनजाने में गोली कहते हैं वो बुलेट्स का ट्रांसलेशन ना होकर सदियों से चला आ रहा एक मूल शब्द है। साहित्य में बड़े आकार वाले गोले और छोटी गोलियां कही गई हैं। ये देखिए बंदूक, हमारी जिसे हमें नलिका कहना चाहिए वास्तव में, हमारा इंडियन नेम, बंदूक के कुछ चित्र। शतग्नि यानी 100 को एक साथ मारने वाली फायर आर्म का उल्लेख कृष्ण यजुर्वेद, रामायण, महाभारत, हरिवंश, रघुवंश आदि में मिलता है। शतग्नि, आग्नेयास्त्र आदि समस्त अस्त्रों के मूल आविष्कारक विश्वकर्मा कहे गए हैं। ओपर्ट ने लिखा है कि आग्नेयास्त्र नामक डिवाइन फायरआर्म के अनेक उल्लेख रामायण और महाभारत में हैं। अच्छा, अब एक इम्पॉर्टेंट बात, जो बुक्स हमने यहाँ रेफर की उनमें से ज्यादातर में क्लियरली एक वेस्टर्न माइंडसेट दिखाई देता है, एक वेस्टर्न इंक्लाइनेशन दिखता है। वंशिका बोली, चाहे वो ओपर्च हो या इस पे लिखने वाले इंडियन ऑथर्स, सब बार बार एंशियंट हिंदूस पर बीच बीच में डिग्रेडिंग रिमार्क्स जरूर करते हैं। ये कीड़ा भारत की हिस्ट्री अंग्रेजों के चश्मे से देख लिखने वाले सारे हिस्टोरियंस में है, राघव बोला। यूरोसेंट्रिक माइंडसेट, ओपर्ट जिससे हमने इतना सुना उसका बैकग्राउंड जानना भी जरूरी है ये समझने के लिए कि ये डिग्रेडिंग रिमार्क्स आती कहां से है। वे संस्कृत के प्रोफेसर थे और मद्रास गवर्नमेंट मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी के क्यूरेटर। अंग्रेजी सरकार खुश रहे इसलिए सारे इंडोलॉजिस्ट बाध्य थे कि उनकी प्राचीन भारत की कोई भी रिसर्च वेस्टर्न सिविलाइजेशन की सुप्रीमेसी को चैलेंज ना करे। इसी ओपर्च ने नॉर्थ साउथ में फूट डालने वाला झूठ आर्यन इन्वेजन थ्योरी के सपोर्ट में बकवास भी लिखी है, ये विशेला नरेटिव स्थापित करने में अंग्रेजों की मदद करने के लिए। ये लोग जिन्हें हमने रेफर किया है अपने लेखों में इतने सारे श्लोक, सारे प्रमाण देकर भी बार बार ये हाईलाइट करने से नहीं चूकते कि भारत महान नहीं था, वंशिका बोली। और कहीं कहीं इंडियंस को तो कहीं डायरेक्टली हिंदुओं को या ब्राह्मणों को भला बुरा कहते रहते हैं। अब जब मैं ये प्रेजेंटेशन तैयार कर रही थी तो मैं बारूद से रिलेटेड फायर आर्म्स की जब मैं इमेजेस ढूंढ रही थी और तोप की मैं इंडियन इमेजेस ढूंढ रही थी, मैं ढूंढने गई तो आई वॉज अगेन शॉक्ड एंड सरप्राइज। जैसा कि मैं जब से मैंने इस लेखन के लिए हमारी भारतीय इतिहास की रिसर्च शुरू की है, अवर भारत नेवर फेल्स टू सरप्राइज मी। मुझे पता चला कि दुनिया की सबसे बड़ी बंदूकें भारत में है। पहला एग्जाम्पल देखिए, ये है जयवाण जयपुर। द शियर मैग्नीट्यूड ऑफ दिस थिंग यू कैन सी बाय कंपेयरिंग द इमेज ऑफ द पीपल स्टैंडिंग नियर बाय और इसकी खुद की इमेज। इसका नाम जयवाण पर भी आपका ध्यान खींचना चाहूंगी, यहाँ भी वाण कहा गया है, वाण यानी कि बाण कहा गया है एक तोप को जो कि एक बारूदी हथियार है। ये 1720 में बनाई गई थी, उस समय भी वाण शब्द जैसे कि हमने पहले देखा ही है बारूद से रिलेटेड रॉकेट्स टाइप के प्रोजेक्टाइल वेपन्स के लिए यूज किया जाता था। ये जयवाण जयपुर में है, इसकी
लेंथ जो है इसके बैरल की लेंथ ही है 20.2 फीट, इसकी टोटल लेंथ है 31 फीट 3 इंच, इसका वेट देखें तो सिर्फ बैरल का वेट है 50,000 किलोग्राम, टोटल इसका वेट है 2,50,000 किलोग्राम। पंच धातु से बनी हुई जो ये तोप है, आप इमेजिन कर सकते हैं कि 1720 में हमारे पास कैसी मेटलर्जी थी उस टाइम तक, जो हम 2,50,000 किलोग्राम मेटल से बनी हुई एक चीज बना सकते थे। इसको चार्ज करने के लिए 100 केजी गन पाउडर चाहिए और 50 केजी आयरन की बॉल को ये चार्ज करती थी। इसकी रेंज बताई जाती है 35 से 40 किलोमीटर। इसकी जब टेस्ट फायरिंग की गई थी तो जयपुर से कुछ दूर 35 किलोमीटर दूर चाकसू नाम के एक गांव में जो इसकी 50 किलोग्राम आयरन बॉल फेंकी गई, उससे एक पॉन्ड क्रिएट हो गया, एक गड्ढा क्रिएट हो गया जहां अभी पॉन्ड है, इतना बड़ा गड्ढा क्रिएट हो गया। और उस एरिया के आसपास में जहां ये फायर की गई थी, जो प्रेग्नेंट विमेन थी उनको मिसकैरेज हो गया, इतनी शॉक वेव्स इसने जनरेट की थी। इसको इसको मूव करने के लिए 4 हाथी और कई 100 लोग लगते थे। और इसकी जो परिधि है टिप पर सर्कमफेरेंस से, वो ही 7.2 फीट की है और इसकी रियर पे इसके सर्कमफेरेंस से 9.2 फीट। दूसरा एग्जांपल है ये बरागाजी टोप जो कि गुलबर्ग कर्नाटक में है, इसकी लेंथ है 29 फीट। ये भी दुनिया की सबसे लंबी तोप है, इसका एस्टिमेटेड वेट है 70 टन। ये भी पंच धातु की बनी हुई है और एलिजिबली ये मुस्लिम शासकों ने बनाई है, जो कि जिससे मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि हम प्रोफेसर ओक की बुक में, आप में से कई लोगों ने पढ़ी होंगी, तो उसमें हमें ये हिंट मिलता है, हिंट नहीं, उन्होंने प्रूफ किया है कि आज जितने भी किले और जितने भी निर्माण हमारे यहाँ पर हैं जो मुस्लिम शासकों को जिनका श्रेय दिया गया है, वो वास्तव में हमारे ही लोगों ने बनाए हैं, उन लोगों ने सिर्फ उस पर इंस्क्रिप्शन लिखे हैं। पंच धातु तो एक इंडियन मेटलर्जिस्ट उसमें एक्सपर्ट थे बनाने में, पंच धातु कहाँ से अरब वाले लोग बना के देंगे। भारत के दूसरे जायंट्स हैं जगदम्बा भवानी तोप 23 फीट 70 टन, ये निजामाबाद में है। मालिके मैदान 15 फीट 55 टन, ये बीजापुर में है। ये जो जगदम्बा भवानी तोप है, इसको चार्ज करने के लिए 150 किलोग्राम गन पाउडर लगता था। मैं ये कहना चाहूंगी कि भारत लैंड इज स्टडेड ऑल ओवर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ ईस्ट टू वेस्ट विद ऑल सॉर्ट्स ऑफ एंशियंट फायरआर्म्स। हमारे पास ऊपर से नीचे ईस्ट टू वेस्ट सब तरह की फायरआर्म्स अभी भी रखी हुई हैं। दुनिया की सबसे लार्जेस्ट कैनन्स भारत में हैं। अच्छा एक बात, ये जो सबसे बड़ी जो कैनन्स मैंने आपको जो 2-3 एग्जाम्पल बताया ना, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम नहीं है, मेंशन नहीं है। अभी जो सबसे बड़ी कैनन है उसका नाम है सार कैनन, जो कि रशिया में है, उसे सबसे लार्जेस्ट कहते हैं और वो सिर्फ 17.5 फीट की है, जबकि उससे बड़ी ये सारी कैनन्स जो मैंने आपको बताई ना, ये सभी उससे बड़ी कैनन्स हैं। ये 23 फीट की जगदम्बा भवानी है, बड़ागाछी 29 फीट की है और एक जयवान है ये 20 फीट की है, केवल एक मालिके मैदान 15 फीट की है। फिर भी इनका नाम हम लोगों ने प्रयास भी नहीं किया गिनीज बुक में डलवाने के लिए, और उन लोगों की बदमाशी ये रही कि उन्होंने कैनन बाय साइज में, उन्होंने बोर की साइज से कैनन की लिस्ट बनाई है, जिसमें उस लिस्ट में भी 3 तोपे हमारे भारत की है। अब जब आप कैनन की साइज देख रहे हो या साइज या लार्ज कैनन से आपके दिमाग में बोर आता है या लेंथ आती है, अगर आप टॉलेस्ट माउंटेन्स की बात करते हैं तो आप उनकी हाइट की बात करोगे ना, ना कि वो कितने चौड़े हैं बेस में। तो ये एक थोड़ी चीटिंग है विदेशियों की, अपनी देश की तोपों को ज्यादा आगे की रैंक देने के लिए शायद कह सकते हैं। तो हमारी दुनिया की सबसे लार्जेस्ट कैनन्स भारत में हैं और दुनिया के सबसे ओल्डेस्ट डॉक्यूमेंटेड एविडेंसेस भी यहाँ हैं, फिर भी जनरेशन से हम लोगों को ये बेवकूफ बनाया जा रहा है कि वी नेवर यूज्ड एनी फायर क्रैकर लेट अलोन फायर आर्म्स अंटिल द बेनेवोलेंट इन्वेडर्स केम। जब तक हमारे दयालु कृपालु इन्वेडर्स भारत में नहीं आए, उन्होंने हमें नहीं सिखाया, हम एक पटाखा बनाना भी नहीं जानते थे। बहुत ही रोचक तरीके से आपने पुस्तक में इसका वर्णन किया है। और जूही जी, आपको इस पुस्तक की प्रेरणा कहाँ से मिली, कहाँ से आपको लगा, कब लगा कि मैं ये पुस्तक लिखूं, इसे किस चीज ने आपको प्रभावित किया था? जब मैं कॉलेज में थी, मैं एक आयुर्वेदिक स्कॉलर हूँ, मैंने आयुर्वेद में मैंने BA MS किया है, तो कॉलेज में पढ़ते वक्त मुझे आयुर्वेद, हमें भारत के
साइंटिफिक वांग्मय जो कह सकते हैं, वैज्ञानिक वांग्मय, साइंटिफिक लोर है, वो मुझे पढ़ने का मौका मिला मेडिकल साइंस का। तो उसमें मुझे बहुत सारी ऐसी चीजें पता चली जो आई वॉज रियली शॉक्ड, मुझे पता ही नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल, हमें ये बताया जाता है कि क्रोमोजोम्स के आविष्कार का श्रेय सबसे पहले बताते कि ग्रेगर जॉन मेडल ने हमें बताया। लेकिन जब मैं आयुर्वेद में पढ़ रही थी तो वहां पर मुझे पता चला, वहां पर कोशिकाओं के बीज भाग और बीज भाग अवयव, ऐसे करके तीन पार्ट्स बताए गए हैं जो कि क्लियरली जीन को इंडिकेट करते हैं। वैसे ही सुश्रुत, जो आजकल फादर ऑफ मॉडर्न सर्जरी कहे जाते हैं, सुश्रुत संहिता में प्लास्टिक सर्जरी का उल्लेख है। फॉर एग्जांपल, किसी का बॉडी का कोई पार्ट कट गया हो तो उसकी बॉडी के दूसरे पार्ट से, जैसे कि जांग से एक फ्लैप काट कर पहले कैसे उसको डेवलप किया जाए, फिर उसको कैसे वहां से उस जगह पर लगाया जाए, इसका वर्णन है। हजारों तरह के सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स का वर्णन है जो आज भी एज इट इज सर्जन्स यूज करते हैं। और प्लास्टिक सर्जरी की वो टेक्निक जो मैंने आपको बताई, आज भी सुश्रुत को ही उनका क्रेडिट दिया जाता है। इसके अलावा हमारे ग्रंथों में स्टेम सेल, एक एम्ब्रियो, जैसे कि दुर्योधन और उसके 100 भाइयों का जन्म कैसे हुआ था, वेदव्यास जी ने एक स्टेम सेल लेके उससे 100 एम्ब्रियोज बनाए थे। उनको घड़ों में एक विशेष केमिकल्स के साथ एक आर्टिफिशियल वूम बना के पूरा फीटस क्रिएट होने तक उनको रखा था। ऐसे ही स्पीड ऑफ लाइट, साइन में उसका वर्णन आता है। ये सारी बातें देख के मुझे लगा कि ये बातें कितनी हमें चमत्कृत कर देती हैं। ये बातें हमें इस तरीके से प्रेजेंट करना जरूरी है, क्योंकि मेरा माइंड सेट, मैं थोड़ी पढ़ाकू हूँ, मुझे ये सब पढ़ने में अच्छा लगता था, पर मैं अपने फ्रेंड से ये बातें शेयर करती थी तो वो शायद इतना इंटरेस्ट लंबे टाइम तक नहीं ले पाते थे। तो मुझे लगा कि ये बातें एक इंटरेस्टिंग वे में, एक स्टोरी के फॉर्म में लिखी जाए जिससे सब कोई उन्हें पढ़ सके। तब से ये दिमाग एक विचार में मेरे दिमाग में एक विचार का बीज आया था और कुछ कुछ रूपरेखाएं थी, फिर मैंने उसे लिखना स्टार्ट किया। देन इट टुक मी 8 ईयर्स, 2018 में इट वॉज ऑलमोस्ट रेडी। उसके बाद फिर पब्लिकेशन और ये सब करने में मुझे कुछ साल और लगे। तो ये एक सीरीज है एक्चुअली, जिसमें अभी एक कुछ पार्ट आया है। हर बुक में 2 से 3 बड़े शोध प्रकरण लिए हैं मैंने, ताकि स्टोरी और रिसर्च का बैलेंस रहे, अच्छे से पचाया जा सकने वाला अनुपात रहे। तो इसमें मेनली बारूद का और कुछ और टॉपिक्स आए हैं। नेक्स्ट सीक्वल में मैं कुछ और ऐसे ही एक्साइटिंग टॉपिक्स आप लोगों से शेयर करूंगी। आयुर्वेद से बारूद पर कैसे आ गए आप? जब मैं आयुर्वेद से मुझे ये चीज पता चली, फिर मैंने जब बुक लिखना स्टार्ट किया तो फिर मुझे ऐसी बहुत सारी बातें पता चलती गई, ईश्वर की कृपा रही। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं ये पीपीटी बना रही थी और ये मैंने जयवान और ये सारी तोपों के पिक्चर्स देखे, तो अगेन आई वॉज स्टार्टल्ड कि बापरे, मैं तो क्या ढूंढ रही थी, मुझे लगा 1-2 छोटी मोटी तोप दिख जाएंगी इंडिया में और ये दुनिया की सबसे बड़ी तोपे यहाँ पर है। ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक्स है, इजिप्ट और इंडिया का कनेक्शन और बहुत सारी चीजें, एक के बाद एक लिंक जुड़ती ही गई और कहानी बनती गई। जी जी, ऑल द बेस्ट आपको भविष्य में आने वाली पुस्तकों के लिए है, और आशा है कि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो इन पुस्तकों को पढ़ेगी और ज्यादा प्रोत्साहित होगी कि हम इस रिसर्च को और पढ़ें, जानें कि ऐसी और कितनी चीजें हैं जो हमें पुस्तकों में नहीं पढ़ाई जाती है, स्कूल के पाठ्यक्रम में नहीं पढ़ाई जाती है और बताई जाती है। तो आई होप कि आपका ये जो प्रयास है ये सफल रहे। नमस्ते।